सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं एक ऐसा ही मिसाल जो शायद इस शेर का मफहूम हो। हमारे साथ सुमित झा जुड़े हैं जो कि मिथिलांचल के मधुबनी जिला के एक छोटे से गाँव सागरपुर के रहने वाले हैं। हम आपको बताएं कि आज से लगभग 20 साल पहले उन्होंने रंगमंच की एक छोटी सी महफिल से, एक छोटे से मंच से अपनी शुरुआत की और आज हिंदुस्तान के कई हिस्सों में फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ वो स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे मिथिला का एक बेटा आज बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर रहा है। और ख़ास करके आपने देखा होगा कि खान देसी नाम का एक प्लेटफॉर्म है, एक इंडस्ट्री है, वहाँ भी ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सुमित झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की है, अपने गांव के बारे में थोड़ा बताएं कि कब, कैसे और किस तरह से आप रंगमंच की दुनिया में आए। सर, सबसे पहले हिंदुस्तानी मीडिया के माध्यम से मिथिलावासी, मेरे गाँववासी, मधुबनीवासी, पूरे बिहारवासी, पूरे हिंदुस्तान कौम को मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं। और मैं एक साधारण परिवार से हूं, छोटे से गांव में जन्म लिया जिस गांव का नाम है सागरपुर, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत आती है और सकरी और पंडौल के बीच में वो गांव पड़ता है सागरपुर। और सागरपुर के श्री गणेश चंद्र झा, जो चंद्रा साहब के नाम से फेमस हैं, उनका मैं छोटा बेटा हूँ। और 1995 में मुझे महेंद्रलाल कर्ण जी हैं, जो लोक हितरंगपीठ सेवा संस्थान के फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया एक स्टेज शो में, उगना। उस उगना नाटक में, जो कि 1996 में मधुबनी टाउन हॉल में वो प्रसारित हुई थी, उगना नाटक में मैं लीड रोल में, उगना के रोल में था। और ऊपर वाले के दया से, उनके निर्देशन में वो उगना नाटक काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। काफ़ी दिन तक मीडिया कवरेज उस नाटक की होती रही। उसके बाद फिर 8 नवंबर को बाल दिवस के, सॉरी 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर दरभंगा रेडियो स्टेशन में भी हमें श्री महेंद्रलाल कर्ण जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने हमें चांस दिया, ये नाटक नहीं का प्रसारण हुआ। तो वहाँ से हमारी, मतलब, फिल्मी दुनिया की करियर शुरू हुई। बहुत सारी विघ्न बाधाएँ आई, लेकिन आज उस मुकाम तक हूँ जहाँ तक पहुँचना एक मैं कभी सोच नहीं सकता था कि, मतलब, खानदेश एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि छोटू दादा की कॉमेडी, खानदेश को तो लोग, मतलब, इतना ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन छोटू दादा की जो कॉमेडी है उसको लेकर के लोग समझ रहे होंगे कि खानदेशी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। और मैं धन्यवाद देता हूँ श्री अनवर शेख साहब को, जिन्होंने मुझे सबसे पहला चांस दिया चीचा रंगीला पार्ट 16 में, खानदेश का चीचा रंगीला पार्ट 16 में, उसमें मेरा छोटा सा किरदार था, वकील का किरदार था। और उसके बाद फिर अकरम खान साहब हमें मिले, उन्होंने हमें खानदेश का दादा मुंबई की राधा सीजन 2 पार्ट 5 और 4 में चांस दिया। उसमें एज ए मंत्री का मैं रोल किया हुआ था, किरदार था हमारा जी। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आज जो खान देशी है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक बड़ी इंडस्ट्री बनकर के उभरा है, क्या लगता है आपको कि जो छोटू दादा हैं, जो काफ़ी फेमस हैं, उनके रोल की वजह से खान देशी को एक अलग पहचान मिली है? देखिए, छोटू दादा में तो खैर टैलेंट है, वो उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन छोटू दादा को बढ़ाने के पीछे में एक शख्सियत का हाथ है और उनका नाम है वसीम अंजुम साहब और क्या कहते हैं अकरम खान साहब। अकरम खान साहब की जो सीरीज आई हुई थी खानदेश का दादा मुंबई की राधा, वो सीरीज इतना सुपर डुपर हिट गया कि एक, मतलब, घर घर तक छोटू दादा को पहचान मिला, घर घर तक छोटू दादा पहुंचा। और छोटू दादा एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जो हुआ, उसके पीछे हमारे अकरम खान साहब का बहुत बड़ा योगदान है। खानदेश का दादा मुंबई की राधा जो वेब सीरीज आया हुआ था, जो अभी फिर से शायद शुरू होने वाला है, तो माइंड ब्लोइंग, मतलब, अकरम खान साहब ने बहुत ही, मतलब, बेहतरीन चांस दिया छोटू दादा को। और छोटू दादा को बढ़ाने में पूरा खानदेश टीम का बहुत बड़ा हाथ है।
जी हाँ, वैसे भी कहा जाता है कि अगर कोई काम एक टीम वर्क के तरह किया जाए तो वो ज़्यादा सफल होता है। आपको क्या लगता है सुमित जी, जिस तरह से आपने अपना अपनी मेहनत शुरू की, खास करके आप मधुबनी के एक छोटे से गांव से थे, जो कह सकते हैं कि एक ऐसा गांव जिसकी पहले मुझे नहीं लगता कि उस हद तक पहचान रही हो, वहाँ से आप निकले और वहाँ से आपने एक इंडस्ट्री में जा करके अपना हिस्सा बनाया, क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी, कितना स्ट्रगल रहा आपके इस जीवन में? सर, स्ट्रगल तो काफ़ी रहा, लेकिन उस स्ट्रगल को मैं स्ट्रगल नहीं मानता हूँ। मेरे गांव के जितने भी हमारे परिवार थे, हमारे गांववासी थे, उनका मुझे भरपूर बचपन से प्यार मिला और उन सबों को भरोसा था मेरे ऊपर में कि ये मतलब कभी न कभी रंगमंच के दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में ये जाएगा। दूसरी बात, मेरे माता पिता जो प्रथम गुरु हैं और मैं उनके ही सानिध्य में मैं पढ़ा भी हुआ हूँ, 1980 के दशक में सिस्टर मार्गरेट इंग्लिश स्कूल हुआ करता था हॉस्पिटल रोड में, उनके प्रिंसिपल थे, हुआ करते थे चंद्रा साहब, मैं उनका ही छोटा बेटा हूँ और आज के तारीख में वो रीजनल सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हैं, सप्ताह ब्रांच में, मधुबनी में पढ़ता है सप्ताह, उसी ब्रांच में हमारे पिताजी श्री गणेश चंद्र झा चंद्रा साहब कार्यरत हैं, तो उनका भी मुझे सहयोग मिला। साथ साथ मतलब जितने भी महेंद्रलाल करण जी जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें इस लाइन में काम करना सिखलाया, एक्टिंग सिखलाया, और मतलब मधुबनी के जितने भी कलाकार हैं, नित्यानंद गोकुल साहब हुए, फिर से बम दास जी हुए, संजीत लाल दास जी हुए, विनय लाल दास जी जो आपके उस टाइम में भारत ज्ञान विज्ञान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन सबों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत हिम्मत दिया और उन्होंने सबों ने मुझे कहा कि सुमित, अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में जाते हो तो तुम्हें मतलब सफलता तुमको हासिल हो सकता है। और मैं आज जो कला के क्षेत्र में हूँ, सिर्फ एक ही हमारा मकसद है कि हमारे गांववासी, हमारे जिलावासी, हमारे प्रांतवासी, हमारे देशवासी को मनोरंजन के माध्यम से दिन रात उन सबों को गुदगुदाते रहें, उन लोगों को प्रसन्न करते रहें और उन लोगों की सारी तकलीफ को हम भुला दें, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करें। जी, किस उम्र में सुमित जी आपने रंगमंच से अपनी कह सकते हैं जुड़ाव शुरू कर दी थी? मैं जो मुझे जैसा लगता है कि मैं शायद ऐसे ही, मैं आपको बताऊं अपनी बचपन की कहानी कि मैं जब मैं 5 या 6 साल का था, उस टाइम में मैं कलकत्ता में रहता था, मेरी एजुकेशन कलकत्ता से थोड़ी बहुत हुई थी, श्री दौलतराम नौपानी विद्यालय से। और उस टाइम में मेरे फादर मधुबनी में रहते थे और वो मैं मम्मी के साथ कलकत्ता में रहता था, तो मेरे पापा आते थे। तो उस टाइम में एक फिल्म रिलीज हुई थी, हॉल में लगी थी, ऋषि कपूर साहब की थी, नाम ध्यान से उतर रहा है मुझे, और वो फिल्म देखने के लिए मैं फादर के साथ में गया था और उस लैला मजनू, और उस फिल्म को जब मैं अपने एक बिल्डिंग में ही एक हमारा दोस्त था चिंटू, उसके साथ में जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो उसने मुझे गोली मारा और मैं बेड पर से जो गिरा सर, वो 5-6 साल की उम्र हमारा हुआ था, हमारा था उस टाइम में, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर कर गया था। तो मैं उस टाइम से ही मुझे फिल्म में आने की, अभिनय करने का दीवान भी था। उसके बाद फिर लोकहित रंगपीठ सेवा संस्थान स्कूल में मैं काफी, सिस्टर बार्गर सिंह स्कूल में मैं काफी स्टेज शो किया, फिर से वॉटसन स्कूल में हमने काफी स्टेज शो किया, उसके बाद लोकहित रंगपीठ सेवा संस्थान के बैनर तले हमें काफी काम मिला, फिर से एक सुनील झा जी थे मिथिला युवा मंच मधुबनी की हुआ करती थी, उसमें भी हमें काम करने का मौका मिला। तो मुझे मतलब काम मिलता गया, मुझे कभी भी इतना मायूसी नहीं हुआ जो कैसे हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं या कैसे। लेकिन सबसे मैं जो धन्यवाद देता हूं श्री महेंद्रलाल करण साहब को, जो आज लोकहित रंगपीठ सेवा संस्थान के फाउंडर हैं, अगर वो मुझे अभिनय के क्षेत्र में नहीं लाते, अभिनय नहीं सिखलाते, तो शायद मैं मतलब क्या कहते हैं, मैं वो मतलब मैं वो आज अभिनय क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाता। मैं बहुत मतलब अपने मधुबनी जिला के वासियों को और वहाँ जितने भी लोग हमारे चाहने वाले हैं, मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ और सबों का आशीर्वाद मुझे मिला है जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ सर। अच्छा सुमित जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अब आप एक अच्छा लंबा कैरियर गुजार चुके हैं इस फील्ड में, क्या लगता है कि युवा जो है आज के जनरेशन के, खासकर हमारे जो मिथिलांचल के लोग हैं, वो कभी कभार सोचते हैं कि क्या हमें इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि मुंबई वो नगरी है जहां जाने के बाद इंसान 2-3 महीने के बाद फिर वापस वहां से लौट आता है। क्या लगता है कितनी मुश्किलें होती है, कैसे वो शुरुआत करे कि वो कामयाब हो सके इस फील्ड में? सर, इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, बीइंग ए बिहारी, बीइंग ए मैथिल,
मेरी शुभकामना सभी भाइयों के साथ में है, सभी दोस्तों के साथ में है, सभी बहनों के साथ में है, सभी बच्चों के साथ में है, और जिनको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है फिल्म लाइन में आने के लिए, आप मेरा नंबर दे सकते हैं उनको, या आपके माध्यम से वो मुझसे बात कर सकते हैं। पूरा बीइंग ए मैथिल में पूरा तन मन धन से उन बच्चों को मेहनत करूंगा, और जहां तक मेरा संभव होगा मैं उन लोगों को मतलब चांस दिलवाऊंगा, वो खानदेशी सिनेमा हो या बंगला सिनेमा हो या मैथिली सिनेमा हो या भोजपुरी सिनेमा हो, उनको निराश नहीं होने दूंगा। उंगली पकड़ाना मेरा काम है, बाकी चलना तो सर उनको ही पड़ेगा। जी जी जी। अच्छा सुमित जी, आपने अभी बताया बंगला फिल्म के बारे में, जो खानदेशी है उसके अलावा आप कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? आपने मूवीज वगैरह में काम किया होगा, किस तरह की मूवीज में आपने काम किया, क्या कुछ रोल आपने किया है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अभी मतलब ये अच्छा सवाल आपने किया, अभी मेरी एक और फिल्म इसी साल रिलीज होने को है, आमिर रविंद्रनाथ 2 बंगला में है, और मल्टी स्टारर फिल्म है। उस फिल्म में सुजीत दे हैं, बीमन रॉय हैं, फिर से मानसी घोष हैं, संगीता जी हैं, आशिक चौधरी हैं, और फिर से मोबोनी सरकार हैं, रिमझिम गुप्ता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि व्हाइट हॉर्स पिक्चर्स के बैनर तले है, और निर्देशक जो हैं वो बिस्जीत घोष एंड प्रसंजीत घोष हैं। बहुत प्यारी फिल्म बनी है आमिर रविंद्रनाथ 2। इनका जो आमिर रविंद्रनाथ 2 का जो पहला भाग था वो पिछले साल 26 मार्च को रिलीज हुआ था, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ था। तो मैं हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद देता हूँ बिस्जीत घोष और प्रसंजीत घोष और उनकी पूरी टीम को, जो मुझे चांस दिया बंगला फिल्म में। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद मैं पहला नॉन बंगाली फिल्म हूँ जो कि मिथिला से हूँ, और जो टॉलीवुड में बंगला फील्ड में भी मैं काम कर रहा हूँ। साथ साथ आपको मैं बताऊँ कि आने वाला जो रविवार है 17 जुलाई को, उस दिन हमारी पहली मैथिली फिल्म रिलीज हो रही है स्मृति इंटरनेशनल में, स्मृति इंटरनेशनल के बैनर तले, स्मृति इंटरनेशनल के चैनल पर, बहिरा जो मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसके स्टार कास्ट अनिल मिश्रा हैं, रसना झा हैं, रवि खंडेलवाल हैं, बिपिन झा हैं, अभिषेक कर्ण हैं, शंभु सिंह हैं, और छोटा सा किरदार मेरा भी है। और ये जो फिल्म है बहिरा, उसका एक ही डायरेक्टर्स जो निर्देशक हैं हमारे श्री शंभुनाथ मिश्रा जी, उनका एक ही सोच था कि आज भी मैथिली फिल्म को हमारे मिथिलांचल के लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, और मिथिला के लोगों को जागरूक करना है मिथिला के धरोहर को के लिए, जो मिथिला सिनेमा जाकर के देखें और मिथिला मैथिली को आगे बढ़ाएं। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उसके बाद ये तो इस रविवार को हमारी फिल्म आ रही है बहिरा, और मैं तमाम मिथिलावासी से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि रविवार 17 जुलाई को 4 बजे में स्मृति इंटरनेशनल चैनल पर बहिरा रिलीज हो रही है, आप सभी लोग जरूर 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 देखें। और साथ साथ दुर्गा पूजा या दिवाली के आसपास में मेरी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आ रही है, मल्टी स्टारर फिल्म, जो जिसका नाम मिलन है, और RSJ प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हुई है। निर्माता राम सुंदर झा और श्री श्याम सुंदर झा हैं, निर्देशक शशि पाठक जी हैं, और मिलन फिल्म में जो किरदार निभाया है वो है अपना मैथिली सुपरस्टार हैं सजीव पूनम मिश्रा, प्लस मेघा सक्सेना, सागर झा, और विलन के तौर पर मैं तो मिथिलांचल के जो अमरीश पुरी हैं, विकास मिश्र वो हैं, और फिर से रवि खंडेलवाल हैं, फिर से एक रमन मिश्रा जी हैं, अभय झा हैं, जितने भी मैथिली अमिया कश्यप साहब हैं, अरविंद पासवान साहब हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है मिलन, मैं उसके लिए भी मिथिलांचल के सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि मिलन को भी आप लोग जरूर देखें और सपोर्ट करें, और घर से निकलिए, जिस तरह से आप लोग मतदान करने के लिए घर से निकलते हैं, उस तरह से ही मैं मिथिलावासी से, बिहारवासी से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि आप लोग, फिल्म कोई बनती है तो आप लोग घर से निकलकर फिल्म भी देखिए, जिससे कि हमारा मिथिला और मैथिली एक प्लेटफॉर्म पे आए, और मिथिला मैथिली का देश दुनिया में एक जय जयकार हो, और मिथिला मैथिली के लोगों को बाहर में भी एक मतलब अच्छी प्लेटफॉर्म मिले और लोग सम्मान के नजर से देखें। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा सुमित जी आपसे बातचीत करके, जिस तरह से आपने बताया है कि क्या कुछ आपका कैरियर रहा है, और अभी आने वाले वक्त में जो मूवीज़ आपके आने वाली है, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो मूवीज़ काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी अच्छे तरीके से चले। और हम अपने दर्शकों से भी यही गुजारिश करेंगे कि क्योंकि हम आप मिथिलांचल के बेटे हैं और आप मिथिला के लिए काम कर रहे हैं और मिथिला को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक कह सकते हैं कि जो मैथिल संस्कृति है
जो मिथिलांचल जो हमारा एक धरोहर है मैथिली उसको आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं और उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो ज़रूर आपकी इस आने वाली मूवी को देखें और आने वाले वक्त में आपको जितना भी सपोर्ट की ज़रूरत हो वो हमारे दर्शक थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अपना टीम की वक्त देने का, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।